So, दोस्तों मैं वहां पर उस जगह पर खड़ा हूं जहां पे 1971 की वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान की तरफ से 4000 सैनिक आए और भारत की तरफ से 120 सैनिकों ने लड़ाई लड़ी और 120 सैनिकों के साथ जीत गए। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मेरे चैनल द फियरलेस ट्रैवलर के अंदर आपका स्वागत करता हूं और मेरा नाम है रितेश बिश्नोई। जैसा कि आप सबको पता है कि हम जैसलमेर के अंदर हैं, हमने जैसलमेर सिटी को विजिट किया और आज हमारी राइड थोड़ी सी लंबी होने वाली है। आज हम जैसलमेर से तनोट माता जी और उसके बाद में जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान की वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद हम लोंगेवाला जाएंगे और लोंगेवाला से हम आज शाम को सम के अंदर अपना नाइट स्टे करेंगे। सम एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसको हम अगले वीडियो के अंदर दिखाएंगे। मैंने बताया था कि हर शहर में खाने पीने के हिसाब से कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, वैसे जैसलमेर के अंदर दाल पकवान जो कि बहुत ही फेमस चीज़ है यहाँ पे। जैसलमेर के अंदर जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो दाल पकवान को ज़रूर टेस्ट करते हैं और हम भी अभी यहाँ से जाएंगे, दाल पकवान टेस्ट करेंगे। एक तरीके से वो हमारा नाश्ता हो गया और उसके बाद में हम यहाँ से तनोट के लिए निकलेंगे। और चलिए जी, अभी आपसे मोटरसाइकिल पे मुलाकात करते हैं, आपको थोड़ा सा जैसलमेर शहर है वो मोटरसाइकिल से घूम के दिखाते हैं, अंदर जो सिटी बाजार फोर्ट के आसपास का एरिया है। हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। समय हुआ है 8:10, मंगलवार 26 नवंबर 2024। एक चीज और देखिए, जैसलमेर जो सिटी है इसके अंदर पतली गलियां बहुत है, बहुत पतली गलियां हैं और उसका रीज़न ये है कि पहले ये बहुत पुराना शहर है तो पहले जैसे व्हीकल वगैरह नहीं होते थे तो उन्होंने पैदल चलने के हिसाब से यहाँ पे गलियां बनाई हुई है और बाद में इनको सड़कों में तब्दील कर दिया। ये तो कुछ है ठीक, कुछ गलियां तो यहाँ पे ऐसी है जहाँ पे पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। ये है जैसलमेर का मेन मार्केट, ये जो गली है, थोड़ा सा आगे भी है, दूसरी साइड भी है। यहाँ पे ये दुकान है धनराज रणमल भाटिया, यहाँ पे गोटवा के लड्डू मिलते हैं, बहुत ही टेस्टी। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी दाल पकवान की रेडियाँ देखने को मिलेंगी एंड यहाँ पे देखें जैसलमेर फोर्ट, लक्ष्मीनाथ दाल पकवान, इनके पास चलते हैं और दाल पकवान टेस्ट करते हैं। चलिए जी, अभी दाल पकवान टेस्ट करते हैं। कुछ इस तरीके का होता है दाल पकवान। मैं नीचे करूँगा दाल गिर जाएगी। खाना शुरू करते हैं भाई। राजस्थान के अंदर आपको मोस्टली जितने भी चीज़ें मिलेगी उनका थोड़ा सा स्पाइसी टच रहता है। अभी हमने यहाँ पे दो दाल पकवान खाए, मज़ा आ गया। चलिए जी, अभी यहाँ से चलना शुरू करते हैं। जय बजरंगबली, भगवान आप सबको हमको लंबी उम्र दे, तरक्कियाँ दे, खुशियाँ दे और आज की जो हमारी जर्नी है वो सेफ़ रहे, आने वाले जितनी भी जर्नीज हों हमारी वो सभी सेफ रहे। सुबह सुबह जिस दिन ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उस दिन बहुत सही जाता है पूरा दिन। अब से मैंने किया है कि मैं लंच चाहे करूं या ना करूं, ब्रेकफास्ट जरूर करना है मुझे। यहां पर लिखा हुआ है स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी, जैसलमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। ये है नेशनल हाईवे 68 जो तनोट माता जी के जाता है जैसलमेर से। तनोट 115 किलोमीटर, रामगढ़ 61 किलोमीटर, मोखला 23 किलोमीटर। रामगढ़ जो गांव है वहां तक इंदिरा गांधी कैनाल आती है और ये जैसलमेर के अंदर सिर्फ वो एक ऐसी नहर है जिससे पानी आता है पीने का, खेतों में लगाने का। वहां पे आप देखेंगे लोगों ने खेती लायक जमीनें बना ली। यहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को नहीं मिल रहा होगा और आपने सोचा होगा कि जैसलमेर तो एक रेगिस्तान एरिया है। नहीं जी, यहाँ पे पानी नहीं है लेकिन ये एक थोड़ा पथरीला और पक्की मिट्टी टाइप का एरिया है। जो रामगढ़ आएगा उससे आगे डेजर्ट शुरू होगा तनोट माता जी और वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे डेजर्ट है। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है, कार बाइक है तो ठीक है, अदरवाइज जैसलमेर से तनोट माता जी के लिए बसेस चलती है, टैक्सीज चलती है तो आप उनके थ्रू भी वहां पर जा सकते हैं। यहां पे रोडवेज बस आ रही है और इस तरीके से यहां पे प्राइवेट बसेस भी चलती है। सड़क यहां पे इतनी ज़्यादा बढ़िया है जिसका कोई जवाब नहीं है। रामगढ़ 34 किलोमीटर, तनोट 92 किलोमीटर। एक चीज़ मैंने अभी और देखी कि यहाँ पे मेरे साथ साथ में चल रहा है रेलवे ट्रैक और इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेन चलती है यहाँ पे, ये रामगढ़ तक जाती है।
एक रास्ता जाता है रामगढ़ के अंदर से होते हुए और ये है बाईपास। हमें रामगढ़ के अंदर कोई भी काम नहीं है, ना ही तो हमें खाना खाना है, ना ही कोई काम, तो हम जो ये बाईपास है यहाँ से होते हुए जाएंगे। यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर है रामगढ़। यहाँ पर देखें लोग इंतजार करते हैं काफी देर बसों का। गवर्नमेंट ने इस साइड के अंदर अभी हरे वृक्ष पेड़ पौधे लगाने शुरू किए हैं। ये देखें सभी पेड़ पौधे एक लाइन के अंदर ऐसे जैसे एक किन्नू का बाग होता है वैसे है, एक बराबर डिस्टेंस एक से दूसरे पौधे के अंदर। दो घंटे के सफर के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं तनोट माता जी के लोंगे वाला। यहाँ से है 38 किलोमीटर। मैंने मेरा मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ा किया है एंड यहाँ से जैसलमेर है 119 किलोमीटर। और अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं तनोट माता जी के, धोख लगाते हैं, विजिट करते हैं। यह मंदिर भारत पाक की सीमा के ऊपर है और यहाँ से 20 किलोमीटर आगे भारत पाकिस्तान की सीमा है। ये मंदिर एक बॉर्डर सुरक्षा के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। पहले शूज लेके अंदर तक जाना अलाउ होता था, अंदर मेन मंदिर तक, लेकिन अभी बाहर ही ओपन करने पड़ते हैं। यहाँ पे कोई टोकन सिस्टम तो नहीं है, आप अपना शूज रख दें, मैंने उधर वाली साइड रख दिए। अभी मंदिर क्लोज है, सफाई वगैरह हो रही है, इसको ओपन होने में अभी आधा घंटा लगेगा। तब तक हम यहाँ पे पीछे तो बॉर्डर का मॉडल बनाया गया कि भारत पाकिस्तान की बॉर्डर कैसी है क्या है, तो हम वो देख के आते हैं, विजिट करके आते हैं। और बच्चों के लिए ऑब्स्टेकल्स है जहाँ पे वो खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर देखें जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है उसका मॉडल बनाया गया। ये वाली साइड पाकिस्तान की है, पाकिस्तान का जैसे टावर है बीच में उनके, ये रेत के टीले, और ये जीरो लाइन, ये जो आपको व्हाइट पिलर दिख रहे हैं ये जीरो लाइन है। और इनकी साइड पाकिस्तान की साइड कोई भी तारबंदी नहीं है, लेकिन जैसे ये भी जैसे ये जीरो लाइन के इधर भारत आ गया, इंडिया 608 लिखा हुआ है और इधर देखें पाकिस्तान 608 पिलर नंबर। और जैसे ही आप व्हाइट पिलर है जो जीरो लाइन पिलर है उसके इधर आते हैं तो ये भारत की जमीन है, और 200 से 250 मीटर जगह छोड़ के भारत ने वहाँ पे ऐसी तारबंदी की हुई है। वहाँ पे हम इतना ज़्यादा करीब जाके ऐसे नहीं देख पाएंगे, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है। और उधर वाली साइड देखें गेट भी बनाए हुए हैं ताकि जब भी कोई मीटिंग करनी हो, इंडियन आर्मी को जीरो लाइन तक जाना हो, जब पाकिस्तान की आर्मी आए वहाँ पे मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे गेट है कि अपने इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स वहाँ से यहाँ तक आ पाएं। और इंडिया की साइड में तारबंदी के साथ साथ लाइटें लगी हुई है, तो ऐसे जैसे पहले जीरो लाइन, फिर बीच में 200-250 मीटर की जगह, फिर अपने जो तारबंदी है वो, उसके बीच में आप देखें इधर जगह, फिर यहाँ पे लाइटें, फिर वहाँ पे वॉच टावर, और इस तरीके से बनाया गया। यहाँ पे जैसे रेगिस्तान वगैरह है, और वहाँ पे आप जब हम और ज़्यादा आगे जाएंगे तो यहाँ पे इंडिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ ऐसा कुछ भी नहीं बना हुआ, इंडिया की तरफ व्यू पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे हम जाके देख सकते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि जो बॉर्डर का मॉडल है वो दिखाया, जो ऑब्स्टिकल्स बने हुए हैं बच्चों के खेलने के लिए वो दिखाया, यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों के लिए वॉशरूम्स बने हुए हैं। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी जगह है। सेप्टेम्बर 1965 के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, उस समय पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे जो मंदिर परिसर और इसके आसपास की जगह, यहाँ पे 3000 से ज़्यादा बम फेंके गए थे और 1450 से ज़्यादा बम सिर्फ और सिर्फ इस मंदिर परिसर का जो एरिया इसे फेंके गए थे, लेकिन उनमें से एक भी बम नहीं फटा, मंदिर को कोई भी खरोंच तक नहीं आई। उसके बाद में इस मंदिर की सेवा BSF करने लगी। यहाँ पे अभी जो इस मंदिर को चलाते हैं वो BSF के जवान है। यहाँ पे इमेजिन करिए कैसा चमत्कार रहा होगा जब 3000 से ज़्यादा बम गिरे और कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं फटा। 1965 की वॉर के अंदर जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने यहाँ पे आके शरण ली थी, और उसके बाद में 1971 के अंदर भी वॉर हुई। और ये कहते हैं कि माता जी यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे, इंडिया की जो बॉर्डर है वहाँ पे दुश्मनों से भारत की सुरक्षा करते हैं बॉर्डर पर। कहते हैं कि जब भी कोई वहाँ से आता है या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो माता जी सबको पहले से ही अलर्ट कर देते हैं।
तभी हम यहाँ से बॉर्डर की तरफ चलते हैं। यहाँ से बाइक बॉर्डर तक लेके जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से बाहर से कोई जो टैक्सी वगैरह होती है वो रेंट पे लेनी पड़ेगी। यहाँ से एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म लेंगे, पहले बार देखेंगे कोई साथ जाने वाला हुआ तो उनको साथ लेके जाएंगे, वरना तो महंगा पड़ेगा। तो फाइनली गाइस हम बॉर्डर के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं। यहां पे पहुंच चुके हैं। उधर पाकिस्तान की साइड तो कुछ भी नहीं है, फेंसिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, और इंडिया की साइड में, और वहां पूरा आगे तक तो शायद नहीं जाने देंगे, यहां तक जाने देते हैं। इधर बच्चों के खेलने के लिए बैठने के लिए जगह दी गई है। यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, आगे ऊपर टावर है उसके ऊपर चढ़ के आप उधर देख सकते हैं, लेकिन उधर पूरा रेगिस्तान है तो वही यहाँ से जीरो लाइन का पिलर तो मुझे दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पे परेड वगैरह होती थी, उसके लिए बैठने के लिए दर्शक वगैरह के लिए बनाया गया था, लेकिन ये बहुत बड़े रेगिस्तान के अंदर है, और जब रेगिस्तान के अंदर आंधी वगैरह आती है तो उस टाइम पे यहाँ पे नुकसान हो जाता है, बार 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 तूफान आते हैं उसके टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे परेड को बंद करवा दिया गया। भाई काफ़ी दूर है पाकिस्तान की साइड में, फेंसिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है उनकी साइड में, ना देखने योग्य कोई चीज़ है, ना लोग आए हुए हैं, ना आर्मी है, उधर कुछ भी नहीं है। वैसे जैसे यहाँ पे रेगिस्तान है, सेम रेगिस्तान उस साइड में है, बस फर्क इतना है कि एक बीच में लकीर है। सो दोस्तों हमने ये विज़िट कर लिया और अब हम यहाँ से जाएंगे वापस तनोट माता मंदिर, और वहाँ से हम लोंगेवाला बॉर्डर, और फिर वहाँ से सम होते हुए जैसलमेर। अगर सम टाइम हुआ तो हम सम करेंगे, वरना सम के लिए हम कल दोबारा से आएंगे। हम यहाँ तनोट माता जी के मंदिर से लोंगेवाला वॉर मेमोरियल जा रहे हैं, यहाँ से 40 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेट। ये देखें कैमल सफारी कर रहे हैं एक अंकल जी, एक ऊंट के ऊपर बैठे हैं और दूसरा ऊंट को साथ लेके जा रहे हैं। मैं यहाँ पे आया था उस समय मेरी काफ़ी सारी क्लिप्स करप्ट हो गई थी, इसलिए इस बार दोबारा अच्छे से व्लॉग बनाएंगे ताकि आप देख पाएं। इधर एरोप्लेन खड़ा है, टैंक खड़े हैं, इधर टैंक है लोंगेवाला युद्ध स्थल जहाँ पे रियल लड़ाई हुई थी। सर यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ा कर सकते हैं? अच्छा हम अभी लोंगेवाला युद्ध स्थल पहुंच चुके हैं, बाइक को मैंने पार्क कर दिया, यहाँ पे पार्किंग बना दिया, बहुत बढ़िया हुआ यहाँ पे पार्किंग बन गई। अभी हम अंदर चलते हैं, विजिट करते हैं। यहाँ पे है लोंगेवाला वॉर मेमोरियल और हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे आप काफ़ी सारे स्टैचू देख रहे हैं, ये जो ऑफिसर्स थे यहाँ पर जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनके हैं। के अंदर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी और वो लोंगेवाला जो पोस्ट है वहाँ पे बहुत भयानक लड़ाई हुई थी, और उस समय भारत की तरफ से ये जो आप देख रहे हैं ये टैंक, ये हवाई जहाज, ये फाइटर जेट, ये यूज़ हुए थे यहाँ पे, जो गन्स रखी गई है वो यूज़ हुई थी। ये हमने वॉर मेमोरियल विजिट किया है, अभी हम जाएंगे युद्ध स्थल जहाँ पे 1971 की जो वॉर है वो हुई थी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। अभी आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे 1971 की वॉर हुई थी, और पीछे पाकिस्तानी टैंक, पाकिस्तानी
ट्रक वगैरह जो डिस्ट्रॉय किए गए थे वो तब के अब तक यहाँ पे हैं, और उनको यहाँ पे रखा गया ताकि लोग आए वो देख सके कि कैसी लड़ाई हुई। और ये जो बॉर्डर फिल्म में दिखाते हैं और रियल में ऐसे खाली खोदी गई थी ताकि यहाँ पर सैनिक आए छुप कर लड़ाई कर सके। 4 दिसंबर 1971 के अंदर पाकिस्तान ने 3 से 4 हज़ार सैनिक T-59 टैंक, जो 30 से 40 टैंक थे, उनके साथ पाकिस्तान ने भारत की लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर बहुत ही तकड़ा हमला किया रात्रि के अंदर, रात के अंदर। दूसरी तरफ यहाँ पर लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर डिप्लॉयड थे मेजर कुलदीप सिंह जी, उनके पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि वो यहाँ से पीछे हट जाए, लोंगेवाला पोस्ट को छोड़ दे, और सेकंड ऑप्शन उनके पास था कि वो यहाँ पोस्ट के ऊपर डटे रहे और पाकिस्तान के साथ लड़ाई करे। पाकिस्तान की तरफ से 3 से 4 हज़ार की सेना आ रही थी, साथ में टैंक थे, और भारत के अंदर उस समय इस पोस्ट के ऊपर सिर्फ 120 सैनिक मौजूद थे, और उन 120 सैनिकों ने 4 हज़ार सैनिकों के साथ लड़ाई की और भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, उनके कुछ टैंक्स थे जो डिस्ट्रॉय हो गए थे, और वो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे है, वहां पे है। जब इतना भारी भरकम युद्ध चल रहा था, भयानक युद्ध चल रहा था, जैसे ही सूर्य उदय हुआ एयरफोर्स आई और उन्होंने उनके जो टैंक्स थे उनके ऊपर हमला किया, पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमला किया, और पाकिस्तानी सेना को यहाँ से पीछे हटना पड़ा। और देखिए कितनी हमारे लिए गर्व की बात है कि 3 से 4 हज़ार सैनिक आए पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से 120 सैनिक, और फिर भी पाकिस्तान को भारतीय सैनिकों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। वहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पाकिस्तानी ट्रक है जो वहाँ पे ख़राब हो के अभी तक वहाँ पे उसके बाहर थोड़ी बाउंड्री बनाई गई है ताकि लोग उसको टच ना करें, ताकि लोग जो यहाँ पे घूमने आए वो उसको देख सकें। और इनको भी सही किया गया, पिछली बार आया था तब ये रेत से ढक गई थी, बुरीज गई थी, लेकिन अभी इनको वापस से सही किया ताकि हम यहाँ से घूम घूम कर देख सकें। यहाँ पे आप देख रहे हैं बंकर्स, अभी यहाँ पे बंकर्स इसलिए ताकि आप देख सकें, इसको फील कर सकें। इनके अंदर से अनगिनत हजारों गोलियां चली है, इनके अंदर से इतनी सी बात, हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को दिल में बसाए रखना। अभी हमने लोंगेवाला युद्ध स्थल विजिट किया, अभी हम यहाँ से चलेंगे सम, जो डेजर्ट है जिसके लिए जैसलमेर जाना जाता है, वहाँ पर आज रात रुकेंगे, कल यहाँ से जोधपुर के लिए चलेंगे, कोशिश करेंगे जोधपुर पहुँच जाएँ, अदरवाइज कहीं बीच में स्टॉप लेंगे। हम जो लाइफ जीते हैं, जो इतनी आसान इतनी बढ़िया लाइफ जी रहे हैं बिना किसी टेंशन के, तो वो है इंडियन आर्मी, BSF या फिर जितनी भी रेजिमेंट्स है, पुलिस है, उनके भरोसे, उनके कारण हमें उनका हर समय धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वही हैं जिनकी वजह से हम इतने फ्रीली ओपनली घूम पा रहे हैं। अगर वो नहीं होते, वो अपनी ड्यूटी सही से ना करें, तो हम तो मतलब कुछ ही देर के मेहमान हैं इस दुनिया में। और प्लीज़ मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा अपने बच्चों को ऐसी जगह घुमाएं ताकि उन्हें पता चले कि सर्वाइव करना कितना मुश्किल है, हम जो ज़िंदगी एक बेटर लाइफ जी रहे हैं उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है हमें ये एक अच्छी लाइफ देने के लिए। चलिए जी अभी सम के लिए निकलते हैं, यहाँ से हमने परमिशन ले ली, अभी एंट्री करवा दी, हम जा रहे हैं अभी सम। हर बार ऐसा नहीं होता कि मोटरसाइकिल ट्रैवल व्लॉगर्स इंजॉय करते हैं, सुबह कुछ देर हमने ये जो रेगिस्तान है इसको इंजॉय किया। अभी 108 किलोमीटर ऐसा ही रास्ता है, अभी मुझे यहाँ पे बोरियत फील होने लगी है। देखें यार क्या भारी भरकम टकरे वाला डेजर्ट है यहाँ पे, तो लिटरली मुझे डर लगने लग गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई बंदा नहीं दिख रहा यहाँ पे, सिर्फ एक सड़क बनी हुई है। यहाँ पे अभी इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन एक गांव सा आया छोटा सा, यहाँ पे बस वगैरह चलते हैं। काफी देर बाद अप्रोक्सीमेटली 35-40 किलोमीटर बाद हमें कोई देखने को मिला है, और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। अगर आप लोंगेवाला से सम आ रहे हैं जो ऊपर से रोड आती है, तो उसके ऊपर पेट्रोल पंप है, तो आप आराम से आ सकते हैं। टोल है क्या ये? तो यहाँ पे एक टोल बना हुआ है, बाइक का तो लगता नहीं है टोल। हम सम विलेज के अंदर पहुंच गए, अभी हमें आगे जाना है थोड़ा। यहाँ पे देखें ऐसे टेंट सिटी बने हुए हैं, और यहाँ पे लूटपाट इन द सेंस कि
जो लपकों से सावधान है, ऐसी बातें होती है। अभी एक भाई मिला, बोल रहा है 600 रुपये में जीप सफारी, कैमल सफारी सब कुछ करवा देंगे। मेरे को तो वहाँ पे डाउट आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2.5 से 3 हज़ार रुपये लगते हैं पर पर्सन, 4 हज़ार रुपये तक लगते हैं। वो 600, 700, 800, 1000, 1500 बोल देते हैं, तो उनके बहकावे में ना आए। अभी मैं रुक गया, वो रोकने लग जाते हैं, बिल्कुल आगे आ जाते हैं कि रुको रुको रुको। ये देखें यहाँ पे आपको रिजॉर्ट से रिजॉर्ट्स मिलेंगे, ये टेंट सिटी कहते हैं इनको, कोई लोग इनका रिजॉर्ट नाम लिख देते हैं डेजर्ट कैंप। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं और इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।